तो दोस्तों कैसे हो यार आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन के बारे में। इस फोन के बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये फोन आपको कहाँ से मिल सकता है और कहाँ मतलब बाई कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्या क्या स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं, लोगों के बीच में इस फोन का क्या डिमांड है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला इस वीडियो के अंदर। बस आप वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लीजिएगा अगर आपको इस फोन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस चैनल मैंने अभी नया नया बनाया है और आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत मुझे सख्त से सख्त है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी फालतू बात के। तो मेरे दोस्तों मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले फीचर्स के बारे में, जान लेते हैं इसके डिस्प्ले में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले साइज की, तो यहाँ पर डिस्प्ले साइज जो है वो 6.9 इंच का आपको दिया गया है, या मान के चलो यहाँ पे 7 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 3088x1440 पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया गया है और डिस्प्ले टाइप जो हमारा है वो डायनामिक एमोल्ड डिस्प्ले है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर फीचर के बारे में, जान लेते हैं इसमें। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि हमारा OS वो Android 10 है, ठीक है। प्रोसेसर टाइप जो है Zynos ऑक्टा कोर है, प्रोसेसर कोर जो है ऑक्टा कोर है, ठीक है। ये सारे हमारे OS एंड प्रोसेसर फीचर हो गए इस फोन के अंदर। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन के मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर के बारे में। तो यहाँ पे आपको रैम मिल जाता है 12GB, वही इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है 256GB, जिसको हम 1TB तक बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा फीचर्स के बारे में, जान लेते हैं कितने कैमरा इस फोन के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो इस फोन के अंदर आपको 3 कैमरा मिल जाते हैं। ये फोन जो है ट्रिपल कैमरा फोन है दोस्तों। पहला कैमरा 108 मेगापिक्सल का, दूसरा 12 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा जो हमारा है वो 12 मेगापिक्सल का है दोस्तों। यहाँ पे आपको 3 कैमरा दिए गए इस फोन के अंदर और वहीं पे फ्रंट कैमरा जो है वो 10 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है दोस्तों इस फोन के अंदर। और यहाँ पे इसके साथ साथ आपको फ्लैश लाइट भी दी गई है दोस्तों। और अब हम लोग जान लेते हैं इस फोन के कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क टाइप जो सपोर्टेड है यहाँ पे 5G, 4G, 3G, 2G और जो सपोर्टेड नेटवर्क्स हैं वो 5G, 4G, LTE, WCDMA, GSM, ये सारे सपोर्टेड नेटवर्क्स हैं इस फोन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन के सेंसर फीचर के बारे में, जान लेते हैं इस फोन के अंदर कितने सेंसर हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, फिंगरप्रिंट सेंसर, जायरो सेंसर, जियोमैग्नेटिक सेंसर, हॉल सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये सारे सेंसर के तौर पर आपको मिल जाते हैं, मतलब ये सारे सेंसर हमें मिल जाते हैं दोस्तों इस फोन के अंदर। और वहीं पे हम लोग देख लेते हैं इसके बैटरी एंड पावर फीचर के बारे में, जान लेते हैं इसमें बैटरी कितनी कैपेसिटी वाली मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है 45 mAh की, एकदम प्रोलॉन्ग बैटरी मिल जाती है, मतलब की ज्यादा चलने वाली बैटरी दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन के साइज एंड वेट की, यानी कि हमारा डायमेंशन फीचर अब आता है। तो इसकी जो विड्थ है वो 77.2 mm की है, हाइट इसकी है 164.8 mm की है, डेप्थ की बात कर लेते हैं यहाँ पे 8.3 mm है। और हम लोग अब बात कर लेते हैं इस फोन के भारीपन यानी कि वेट कितना है। तो यहाँ पे इस फोन का वेट जो है वो ज्यादा नहीं है, 208 ग्राम है, काफी लाइट वेटेड फोन है यानी कि हल्का फोन है दोस्तों। तो ये सारे जो इसके मेन मेन फीचर है मैंने आपको बता दिया है, आपसे डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अगर सारे फीचर आपको अच्छे लगे, फोन में देखने में डिजाइन वगैरह लुक वगैरह सारा कुछ आपको पसंद आया, अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या तो बाई करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाइए क्लिक करिए, आप पहुंच जाएंगे सीधा ठीक है अमेजोन पे, वहां से बाई कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। अगर आप बाई करते हैं जो बॉक्स आपको मिलेगा आपके हाथों में पहुंचेगा, उसमें क्या क्या चीजें मिल जाती है वो बता देता हूं मैं। तो बॉक्स में आपको मिल जाता है हैंडसेट और सपोर्टिव पेन मिल जाता है, यहाँ पे पेन सपोर्ट भी दिया गया है, एडाप्टर मिल जाता है, चार्जिंग केबल मिल जाती है, सिम इजेक्टर पिन मिल जाता है, यूजर मैनुअल मिल जाता है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको बॉक्स में मिलने वाली है, तो आप एकदम बिंदास होकर आप बाई कर सकते हैं, काफी सारी चीजें आपको बॉक्स मिल जाती है दोस्तों। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी फोन के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा चैनल नया है और आप सब लोगों की भाई लोगों की मतलब सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट करिए मेरे चैनल थोड़ा सा। और बस हो गया इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।